मल्हार के सुर थे ना? तो गाओ अबू, तुम कहते थे मल्हार गाने से मैं बरसता है। हाँ जरूर बरसता था, पर अब वो जमाना कहाँ बेटे, वो लोग कहाँ। मगर खुदा भी वही है और मल्हार भी, गाओ ना अबू। गरज गरज गिर आए बादर, उमद गो मद कर छाए, जल थल कर दे बरस बरस घन गरज गरज गिर आए बादर। ये तो निरा खोट है, बेचने आया हूं इसलिए, खोट इनमें नहीं तुम्हारे मन में। बड़े भोले हो खां साहब। अरे बाबा तुम क्या जानो, इन गाने बजाने वालों को हमेशा खोटे ही तमगे दिए जावे हैं। मेहमान घर में और आप बाहर, जाइए जाइए ना, इनका सौदा मैं कर लूंगी। तमगे तो बेचे ना, पर सुहाग की निशानी बेचने पे राजी है। इज्जत का सवाल है भैया, घर आए मेहमान को खिलाना पिलाना जरूरी है, ये तो मैं खूब जानू हूँ। ये मेहमान कौन आया है आज? उनका पुराना दोस्त है। धंधा क्या करे है? कथिक है। अच्छा, कत्थे का व्यापारी होवे? कत्थे का व्यापारी नहीं, कथिक। वो क्या होवे? बहुत बड़ा नाचने वाला। तो यूं कहो ना, नाचा है नाचा। नाचत कामनी मधुर मिलन धुन, बाजत घूंघरू
आदाब बजा लाता हूँ खान साहब। इस तोड़े पर खान साहब कराची के सेठ आदम जी हवा जी ने हीरे की अंगूठी इनाम में दी थी। क्या कहें क्या कहें, अब वो अंगूठी है कहाँ? अंगूठी खान साहब, एक अंगूठी तो क्या, ऐसे बीसियों इनाम इकराम कराची के बैंक पे रखा छोड़े। माशाल्लाह। और वो मल्हार गाकर नए बरसाने की जो खबर अखबार में पड़ी तो आपको मुबारकबाद कहने के लिए यहाँ चलाया, वरना अपना दिल तो कराची के बैंक में अटका हुआ है। अब जरा तांडव के बोल मुलाहजा कीजिए। उस्ताद खाने की चीज है, इस पर कराची की चुन्नी बाई ने सोने के कंगन नजर किए थे, अर्ज किया है। इसे कहते हैं घी खालिस भैंस का, और कराची में तो खालिस मूंगफली, नारियल और समंदर की झाग। तो वाह खाओ मियां। अच्छा जी, खटो जी मेहमान छोड़ यहाँ आ गए। बेगम, सुहाग की आखिरी निशानी तो अपनी कलाई पर रहने दी होती। मेरा सुहाग तो आप हैं, आपका प्यार मेरी मांग का सिंदूर, और प्यार का हर बोल मेरा कीमती जेवर। लेकिन ये जेवर जरीना को दुल्हन नहीं बना सकता, यहाँ जिंदगी का मेल पैसे से होता है, लफ्जों से नहीं। जिंदगी का मेल प्यार से होता है, सिक्कों से नहीं। हाय अल्लाह, जाइए ना, खाना ठंडा हुआ जा रहा है, मेहमान इंतजार में होगा। शुक्र है मेरे मौला, आज चार दिन के फाके के बाद रोटी तो नसीब हुई। बेगम, मेहमान के लिए घर में मीठी चीज कोई नहीं है? तो सही, पर मेहमान के लिए नहीं, रसगुल्ले बेटी जरीना के लिए। हर रोज मांगती थी ना आपसे, आज अपने हाथ से खिलाइएगा। वो है कहाँ? वो ही सलमान के साथ। झन झन बाजे मन के तार,
क्या सोच रही हो बहन? सोचती हूँ इन दोनों में कितना प्यार है। ये लो रुमाल, किसी और को दिया तो फिर कुट्टी कोई और कौन होता है। सच्ची बड़ा प्यारा फूल बनाया है, तुम तो पूरा बाग बना सकती हो। ना भाई, इतना सारा कपड़ा और टाका कहाँ से आएगा। ये लो एक चीज मेरी तरफ से। हाय अल्लाह, ये कितनी प्यारी है। यूं गुल मिल गए हैं जैसे एक दूसरे बिना रह नहीं सकते। लेकिन लेकिन क्या? सलमान तो चला जाएगा ना, बस थोड़े ही दिनों में उसे अपने बाप के पास बसरे जाना है। बसरी? सलमान का बाप मेरा भाई है ना, माशाल्लाह बसरे में सुदागर है, सुदागर लाखों का व्यापार है। हाँ याद आया, आज ही घर में मेहमान आया है। कहाँ से? कराची से। खैर से वहाँ लाखों में खेलता है। यहाँ आते ही तैने एक पैकेट उधार लिया था। तो जभी तो कहूँ कि दो पैकेट और देता। और पैसे? पैसों की फिक्र ना करो, एक और दो तीन हुए ना। हाँ हाँ। तो नौ और दो ग्यारह होने दो। मेहमान जान के तुम्हारा इतबार करूँ। हाँ। अगर पैसे ना पहुँचे तो तिगनी का नाच नचा दूंगा। तिगनी का नाच? आए कुर्बान जाऊं तुम्हारे, तुम तो अपनी जात बिरादरी के निकले। अब मैं आपको वो तोड़ा दिखाऊं जिस पर टंडो आदम खान के वडेरे जीवन संग ने नकद दो डाकियां मेरे आंगन में बंधवा दी थी। इरशाद इरशाद। आधा बजा लेता हूँ। अर्ज किया है उस्ताद अल्लाह बंदे खान। जी नहीं, बंदे के नाम चुनन खान और अल्लाह के बंदे ये रहे, यानी खान साहब उस्ताद अल्लाह बंदे खान। फरमाइए। मैं आपके लिए दावतनामा लाया। दावतनामा माँ अहलो आयाल के? जी नहीं, सिर्फ इनके लिए। आखिर किस सेठ जागीरदार नवाब अमीर कमीर का दावतनामा है? हुकूमत का। हुकूमत का? कहरा में एक एशियाई म्यूजिक कॉन्फ्रेंस 10 दिन के लिए मुनक्कद होगी। पाकिस्तान की तरफ से आप ऐसा बाकमाल मौसीकार शिरकत करेगा, ये फैसला सरकार का है। आए कुर्बान जाऊं सरकार के। कहिए खान साहब, आप जाने के लिए तैयार हैं? जी नहीं, मैं अपना घर बार छोड़ के इतनी दूर कहाँ जाऊं? दूर? इस जमाने में कोई भी जगह दूर नहीं, आपको हवाई जहाज में भेजेंगे। हवाई जहाज में? मैं इन्हें हरगिज ना जाने दूंगी। ये अल्लाह मारा हवाई जहाज, इसका क्या भरोसा? बहन भरोसा तो उसकी जात पर होना चाहिए, यूं भी खान साहब की जिंदगी का बीमा होगा। खुदा न करे कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कुंभे को किसी रकम मिलेगी। वाह वाह, फिर तो वारे न्यारे हैं। हमारे मुंह में खा, खुदा इन्हें सलामत रखे, मैं इन्हें हरगिज न जाने दूंगी। 15 ही दिन की तो बात है और हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस का इनाम भी इनको मिल जाए। इनाम? आधा बजा लेता हूँ। आइए तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। वो कैसा इनाम? 10,000 का नकद, खिलत और तमगे इसके अलावा। 10,000 रुपए? नहीं, हमें रुपया नहीं चाहिए। जी हाँ, अल्लाह का दिया सब कुछ जो है। कहिए खान साहब, चलिएगा फिर? मुझे ये दावत मंजूर है। तो फिर चलने की तैयारी करें, मैं डाक बंगले में ठहरा हूँ, कल आपको अपने साथ ले जाऊंगा। अबू, ये तुम्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अरे यही पास ही, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने के लिए। मेरे लिए? हाँ हाँ, तेरे लिए, तेरी अम्मी के लिए। अबू मेरे लिए रसगुल्ले जरूर लाना, रसगुल्ले। जरूर लाऊंगा मेरी बच्ची, जरूर लाऊंगा। क्या लाए हो अबू? जरा आंखें बंद करो। आंखें? ये लो। हाथ इधर लाओ। अबू रसगुल्ले? हाँ। कैसे हैं? बड़े मीठे, इतने मीठे कि शहद से भी ज्यादा। अच्छा।
की बेगम, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अगर खुदा ने सुन ली और बहुत सा इनाम मिल गया तो खूब धूमधाम से जरीना की शादी रचाएंगे। आप इसलिए जा रहे हैं तो ना जाइए। उन लड़कियों की भी तो शादी हो जाती है जिनके गरीब माँ बाप सोने चांदी के जेवर के बदले हाथ पैरों में धागे बांधकर विदा कर देते। मुझे तुम्हारी इस खाली कलाई की कसम बेगम, जब तक मेरी जिंदगी है मैं अपनी बेटी के लिए और तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। लेकिन इंसान का क्या भरोसा है, अगर मुझे कुछ हो गया तो। बस खुदा वो मनहूस दिन दिखाने से पहले ही मुझे मौत दे दे। खुश नसीब बीवी वही कहलाती है जो अपने शौहर के कंधे पर अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। चुन्नन खां, तुम मेरे दोस्त हो, इस घर को, तुम्हारी भावज और जरीना को आसमान पर खुदा और जमीन पर तुम्हारे सपोर्ट किए जाता हूं। मेरी जरीना का खास ख्याल रखना, ये बचपन से आज तक इससे कभी जुदा नहीं हूं। आप इत्मीनान रखिए खान साहब, मैं बिटिया को वो तोड़े सिखाऊंगा, वो तोड़े सिखाऊंगा कि इसके कदमों में रुपयों की बारिश होने लगेगी। खामोश, रुपयों की बारिश तो सिर्फ उरियानी और बेहयाई पर होती है। ऐसा नाच सिर्फ एक रंडी नाच सकती है, शरीफ औरत नहीं। सुन लिया बेटी, ऐसा काम तुम तो ना करोगी ना? नहीं करूंगी अब्बू। मेरी अच्छी बेटी। अल्लाह की यही मर्जी थी, अब तो सिवाय सब्र के कोई चारा नहीं। ये लीजिए बीमे की रकम, 1,00,000 रुपए का चेक। रुपए? ये रुपए नहीं, सांप है, बिच्छू है, ये मुझे डस लेंगे। इन्हें यहाँ से ले जाओ, खुदा के लिए यहाँ से ले जाओ। यूं ना कहो बहन, अब यही तुम्हारा सहारा है। इस बच्ची को देखो, इसे जवान होना है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ما ماتش يا اولاد، الحمد لله.
पानी पानी। माजा तुरीद किसकी है? मैं बताता हूं भाई, मेरे मेजबान भाई सिर्फ अरबी समझते हैं, हमारी जुबान नहीं समझते। क्या तुम भी हिंदुस्तानी हो? पाकिस्तानी। इसमें क्या लिखा है? तुम्हारे मुल्क के बहुत बड़े गवैये खान साहब आला बंदे खान की तस्वीर है, जो बेचारा हवाई जहाज के हादसे में मारा गया। और क्या लिखा है? इसके मरने पर बीमा कंपनी की तरफ से उसकी बेवा को 1,00,000 रुपया मिला है। 1,00,000 रुपया? बहुत बड़ी रकम है मियां। बीवी की जिंदगी मजे से गुजरेगी, किसी की मोहताज ना होगी। तुम यहाँ कैसे आए हो? कहाँ जाओगे? मैं कुछ नहीं जानता। मजनून न जाने कौन है। एक लाख रुपया, बेवा की जिंदगी मजे से गुजरेगी, किसी की मोहताज ना होगी। मेरी मां से घर में जिंदगी आ गई, मेरी मां से। से एक नई बात देख रहा हूं, बेहोशी के आलम में कभी कभी गुनगुनाने लगता है। ये तो अच्छी अलामत है, अब जल्दी होश में आ जाएगा। दवाइयां मालूम होता है, लबास पाकिस्तानी, लेकिन हाथ में ये अरबी अखबार, न जाने कौन है। हो सकता है हमारी तरह यहीं आबाद हो गया हो, पर शेख आप इसके लिए परेशान ना हो, इससे ज्यादा तो मुझे आपकी फिक्र है। मेरी? आप दिल के मरीज हैं, कहीं ऐसा ना हो। ऐसा कब होगा डॉक्टर? आप फिर जज्बाती होने लगे। जज्बात ही से तो जिंदगी बनती है, और इस जिंदगी का एहसास मुझे मेरी बीवी समीना ने दिलाया था, जिसकी खातिर मैंने यहां रहना कबूल किया। वो देखिए, मेरी जिंदगी का नकमा इस कब्र में सोया हुआ है। मैं कहां हूं? मेरे घर में। बीवी की। तुम्हारा घर कहां? मेरा घर, बीवी, मैं यहां, मैं कुछ नहीं जानता, मेरा कोई घर नहीं। तो फिर यहीं रहो, ये तुम्हारा घर। मेरा घर? हाँ, तुम्हारा। तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो भाई, मैं तो दिल का मरीज हूं। डॉक्टर ने साफ कह दिया है, अब जो दौरा पड़ेगा वो आखिरी होगा। शायद खुदा ने तुम्हें इसीलिए इस घर में भेजा है कि मैं अपनी बीवी की निशानी तुम्हें सौंप जाऊं। बीवी की निशानी? नन्ही सी बेटी। क्या तुम्हारी कोई बेटी है? बेटी थी कभी, नन्ही सी, बड़ी प्यारी, अब मेरा कोई नहीं है।
कोई नहीं है, मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। अल्लाह बख्शे, खान साहब बड़ा भला मानुस था, पर उसका झार नाचा निरा सांप निकला। तुम ठीक कहते हो, वो ये कहता फिरता है कि उसने खान साहब की जोरू से शादी कर ली। पर ये शादी हुई कैसे? मैं अर्ज करता हूँ कैसे हुई, जैसे सबकी होती है, यानी फला बिनते फला कबूल, आए कबूल, मुबारक मुबारक, बस ऐसे ही हमने एक दूसरे को कबूल कर लिया। पर गाँव के मौलवी तक को खबर नहीं। अरे भाई, ये कैसी शादी, ना गांव वालों को पूछा, ना किसी का मुंह मीठा किया। मैं किस मुंह से पूछता, कोई नई नवेली तो थी नहीं, बेवा थी बेवा। अरे भाई, मैं समझ गया। क्या? सुना था कि खान साहब के मरने पर सरकार ने उसे 1,00,000 रुपया दिया है, बस ये शादी माल से हुई है, बेवा से नहीं। ये कही लाख की बात। क्यों भाई, है ना यही बात? ये बात ही नहीं, बात यह है कि शादी मैंने नहीं, खान साहब की बीवी ने की है। खान साहब के लुगाई ने? तो और क्या, मुझे क्या पड़ी थी जो ये झंझट मोल लेता, वो तो खान साहब की बीवी ने मुझे मजबूर किया, अपनी बच्ची का वास्ता दिया कि अब तुम्हें इसका सहारा हो। असल बात तो ये है, वो तो गांव है। बस, अब इस गांव में नहीं रहना चाहिए, हरगिज नहीं। जहां इज्जत नहीं वहां क्या रहना, यहाँ से कल ही चले। अरे यही तो मैं कहता हूँ कि बाहर में ये जाएगा, अपन तो ठाट से कराची में रहेंगे। जरीना बेटी, यहाँ आओ, यहाँ आओ ना, इन चीजों को फिर समेट लेना। क्या है? बेटे जरा अलमारी में से घुंघरू तो निकाल लो। कौन सी अलमारी? ओहो, मेरा मतलब है टोकरी में से। ये लो। जरा पाँव में बांध लो। वो क्यों? मैं तुम्हें नाच सिखाऊंगा, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं। पाँव यहाँ रखो। आज सिलाई के पैसे मिल गए, तुम राशन ले लो। किस हाथ से पैसे लो, क्या करूं, इस कराची में तो बस अपना यही कबाड़ खाना है, वो रईसाना ठाट सब जबानी जमा खर्च था। जरीना आओ जरा काज बना दो। ये क्यों माने? नाच सीखने के लिए? नहीं, ये नाच नहीं सीखना। तो फिर दूसरों के काज बनाने से अपने काज नहीं संवरेंगे? ये सब काम काज किस काम का, महीनों से चेक बासी हो रहा है, 1,00,000 रुपया होकर भी साथ ना बनी, ये भी कोई जीना है? मुझे यूं ही जीना मंजूर है, वो चेक हमारा नहीं, जरीना बेटी का है। ये चेक तो 6 महीने पहले का है जी, इसकी म्याद खत्म हो चुकी। क्या कहा, खत्म हो चुकी? क्या मतलब? अब ये नहीं चल सकता।
अरे साहब क्या मजाक करते हो, जरा गौर से तो पढ़ो, देखो 1,00,000 रुपए की है। मगर ये तो बेगम अल्लाह बंदे खा के नाम का है, तुम्हारे हाथ कैसे लग गए? अरे भाई शागिर्दी की मिठाई रखो तो बताए। तुम तो कोई मिठाई गिर मालूम होते, बुलाओ पुलिस को। पुलिस को? जी हाँ जरूर जरूर, वो रही पुलिस। ये क्या हो रहा है? जो हर रात होता है, मेरा मतलब है तुमने तो आज रात देखा है ना, मैं तो हर रात आकर इस चेक को देखता हूँ कि कहीं चोरी तो नहीं हो गया। हमारे होश तो नहीं खो गए, खबरदार जो इसे कभी हाथ लगाया। लो, एक तो चौकीदारी करो, ऊपर से चोरी चकारी का ताना सुनो, मैं तो अब इस चेक पर कभी थूकूंगा भी नहीं साहब। हाँ याद आया, वो तुमने क्या नाम बताया था अपना? अल्लाउद्दीन खान। हाँ हाँ अल्लाउद्दीन खान, वो मशहूर गवैये अला बंदे खान से तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? बस इतना ही रिश्ता है कि वो भी अल्लाह का बंदा था और मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, सिर्फ उस बेचारे को वक्त से पहले मौत आ गई। जीते जी वो इतनी रकम न कमा सका जितनी मरने के बाद अपने घर वालों को दे गया। मेरा बेटा आ रहा है। बेटा? हाँ मेरी बीवी की निशानी, उसे भी गाने से बड़ा लगाव है, खुश नसीब है कि तुम ऐसा उस्ताद उसे मिल जाएगा। कब आ रहा है वो? कल सुबह। मेरे बेटे से मिलो खान साहब, ये है सलमान। खान साहब? दुरानी साहब, मेरे कराची ऑफिस के मैनेजर। ये तुम्हारे उस्ताद हैं बेटे, खान साहब अल्लाउद्दीन खान, तुम्हें मौसीकी की तालीम देंगे, आदाब बजा लो। जीते रहो। ये रुमाल देखा, कितना प्यारा है। किसका है? मेरा है, मेरी जरीना ने दिया था मुझे। जरीना। अगर आपकी दाढ़ी ना हो और बड़ी बड़ी मूछें हो तो आप बिल्कुल अल्लाह बंदे खान। सुना है कि जरीना की अम्मी और अब्बू बड़े मजे में रहते हैं। अब्बू? उस बेचारी के अब्बू तो मर गए, वो जिंदा थे तो घर में फाके थे, अब तो उनके पास बड़ा रुपया आ गया। हाँ मियाँ, रुपया हो तो वारे न्यारे हो जाते हैं। आ
पाकिस्तान ले चलिए खान साहब, वहां जरीना का गांव है, खेत है, झूला है, जरीना है, वहां सब कुछ। हाँ, समंदर के उस पार सब कुछ है, मगर मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? अभी तुम नहीं समझ सकते, जब तुम बड़े हो जाओगे तो शायद। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा फिर शायद हम दोनों उस पार जा पहुंचे। उस पार मैं कब बड़ा हो जाऊंगा? वक्त गुजरते देर नहीं लगती, वक्त भी एक समंदर है जिसकी एक लहर इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे।
ये पढ़ा आपने? खान साहब की बरसी मनाई जा रही है। किस खान साहब की? उस्ताद अला बंदे खां मरहूम की 10वीं बरसी। 10वीं बरसी? उसे मरे तो सदियों गुजर चुकी है। सदियां? एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे अब्बा जान ने एक मरे हुए शख्स के नाम चेक क्यों लिख दिया। कौन मना रहा है ये बरसी? कराची में नेशनल आर्ट सर्कल नाम की कोई अंजुमन है। इस मौके पर जरीना भी गा रही। इस प्रोग्राम को रेडियो पाकिस्तान रिले भी कर रहा। कब? आज रात को। हम नेशनल हॉल से बोल रहे हैं जहां फनकारों और मद्दाहों का हुजूम है। आज खान साहब उस्ताद अल्लाह बंदे खां की 10वीं बरसी है। मरहूम उस्ताद को खराज अकीदत पेश करने के लिए बहुत से फनकार और फन के परस्तार जमा हैं। सबसे पहले उस्ताद मरहूम की साहबजादी सरीना खातून अपने वालिद मरहूम की खास चीज पेश करती है। लीजिए, सरीना खातून तशरीफ ला रही है। Ah.
نیشنل آرٹ سرکل انتہائی مسرت سے اعلان کرتا ہے کہ استاد مرحوم کی صاحبزادی زرینہ خاتون کو پاکستان کی کوئل کا خطاب دیا جاتا ہے۔ ایک لاکھ روپیہ خان صاحب بندے خان مجھے پاکستان لے چلیے خان صاحب۔ پاکستان؟ یاد ہے اپنا وعدہ؟ آپ نے کہا تھا جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو پاکستان چلیں گے۔ مگر تو پھر چلیے نا، یوں بھی کراچی کے کئی بپاریوں سے رقم وصول کرنی ہے۔ سلمان، بہت دنوں سے مجھے کچھ روپے کی ضرورت تھی۔ کیا ضرورت تھی یہ نہ پوچھنا، پر کیا تم مجھے ایک لاکھ روپیہ ادھار دو گے؟ ادھار؟ آپ مجھ سے ادھار مانگتے ہیں؟ آپ کے احسانوں کا قرض تو میں جان دے کر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ فقط ہاں کیجئے کہ ضرور چلیں گے۔ ہاں چلوں گا، ضرور چلوں گا۔ بچوں کی سرپرستی خالی ہاتھوں سے نہیں ہوا کرتی، ان ہاتھوں میں دولت ہونا چاہیے۔ باہر تھیٹر کا مالک دولت لیے کھڑا ہے، دولت نہیں۔ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے۔ نہیں چاہیے؟ نہ سے، لیکن اس مکان کے لیے اور زرینہ کے لیے اور پھر سب سے زیادہ تمہاری صحت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیجئے، گھر آئی ہوئی دولت کبھی ٹھکرایا نہیں کرتے۔ تم فکر نہ کرو، اس کی ضد پر نہ جاؤ، تمہیں خود ہمارا خیال کرنا چاہتی۔ اب تم بچی تھوڑی رہی، ہر فیصلہ جو امی سے پوچھ کے کرو، سب کام ٹھیک ہو جائیں جو تم تھیٹر میں کام کرنے لگو گی۔ نہیں، نیاز مند کو یقین تھا کہ آپ کے دم قدم سے اسٹیج کو عروج ہوگا۔ کمالی صاحب، عروج کیسے نہ ہوگا،
मैंने वो नाच सिखाए हैं कि आपके थिएटर पर रुपयों की बारिश होने लगेगी। खामोश, रुपयों की बारिश तो सिर्फ उरियानी और बेहयाई पर होती है। पर एक शर्त है कमाली साहब, ये नहीं। ये तो तयशुदा बात है। शर्त ये है कि मेरा खिताब और मेरा नाम जाहिर न किया जाएगा। हाँ, तो नाम में क्या धरा है कमाली साहब, गरज तो काम से है। तो फिर जैसा आप चाहें। आपका नाम? नाम सोच लीजिए। नगीना कैसा रहेगा? तो मेरे मुआहदे में सबसे पहली शर्त यही लिखी जाएगी कि उस्ताद अल्लाह बंदे खान मरहूम की साहबजादी जरीना खातून वैरायटी थिएटर में उस्ताद चुनन खान कथक की बेटी नगीना बाई के नाम से काम करना मंजूर करती। बस खुश। मैं वादा करती हूँ अबू, जब तक इस थिएटर में काम करूंगी तुम्हारा और अपना नाम किसी पे जाहिर न करूंगी। मुद्दत से जिंदगी के समुंदर में हचकोले खा रहे हैं खान साहब, आज साहिल करीब आ रहा है। हाँ, साहिल करीब आ रहा है। तुम नहीं जानते सलमान, उस पास शहर की ऊंची ऊंची इमारतों से दूर एक छोटा सा गांव है मेरा। आज 10 साल हुए मैं उस गांव से बिछड़ गया। वहाँ मेरी बीवी है, मेरी बेटी है। आप उन्हें जरूर पालेंगे। तुम भी अपने बचपन की योजना को पालोगे सलमान, तुम्हारा ब्याह उसी से होगा। मैं अपने हाथों से उसे दुल्हन बनाऊंगा। सलमान, साहिल करीब आ रहा है और मेरा दिल डूब रहा है। कितने ख्वाब देखे थे इस साहिल के, ये ख्वाब साहिल से टकरा कर टूट गए तो क्या होगा। Yeah.
सोजी, जरा गर्मा गर्म कॉफी तो बना और देखना इसमें रसगुल्ले हैं। ओह रसगुल्ले? हाँ, नगीना बिटिया के लिए। इससे उठो नहीं अम्मी। ये लो मेरी पहली तनख्वाह। मैं तुम्हारी बेटी नहीं, तुम्हारी जरीना। जरीना नहीं, नगीना। अम्मी मुझसे खफा क्यों रहती हैं? इसीलिए तो कि अब तुम उस्ताद अल्लाह बंदे खां की बेटी जरीना नहीं, प्रोफेसर चुन्नन खां की बेटी नगीना। और ये कमाई जरीना की नहीं, नगीना की। लाओ ये रुपए मुझे दे दो, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। और यूं जानो ये रुपए तुम्हारी अम्मी तक पहुंच गए। आप रुक क्यों गए? तुम तो अपनी मंजिल पर आन पहुंचे सलमान, लेकिन मेरी मंजिल कहीं और है। कहीं और? हाँ, मेरा सफर अभी बाकी है। कुछ दिन आराम तो कर लें। दिल की धड़कन तो यही कहती है कि आराम अपनी मंजिल पर ही मिलेगा। मुझे अभी जाने दो सलमान। आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगे? नहीं, कुछ सफर ऐसे होते हैं जो इंसान को अकेले ही तय करने पड़ते हैं। इस 1,00,000 रुपए की रकम का शुक्रिया। 1,00,000? काश मैं भी जा सकता। दाद दीजिए, देखिए कहां ला बसा है। यहां आइए। यहां क्या? वो सामने वैरायटी थिएटर की दुशिन्ना सितारा नगीना भाई। भाई भाई भाई, सलमान ने एक बात कह देता हूं, जिन हाथों से ये दरवाजा बंद किया वही हाथ से फिर खोल लेंगे। बीवी वही कहलाती है जो अपने शौहर से संधि अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए।
कहां से आए हो, कैसे आए हो? बहुत दूर से आया हूं, किसी का पता पूछना है। पूछो। उस्ताद अल्लाह बंदे का घर इसी गांव में है ना? उस्ताद अल्लाह बंदे है नहीं, कभी था। बेचारे उस्ताद को मरे हुए 10 बरस गुजरे। खुदा बख्शे उसे, उसका घर बार तो यही है। अरे मियाँ, कहाँ का घर बार, औरत जात ही बुरी है। क्या मतलब? मतबल क्या पूछो हो, खा छाबनी ने खसम के मरते ही नाचे से शादी कर ली। बड़े गुस्से में आए हो, हुआ क्या? कुछ नहीं, औरत की बेवफाई पर गुस्सा आ गया था। अरे मियाँ, कल युग है कल युग। उनकी एक नन्ही बच्ची भी तो थी, वो भी गई उन्हीं के साथ। अब भला गांव में ऐसे लोगों का क्या ठिकाना, यहाँ से गए हुए 10 बरस गुजरे, ना जाने कहाँ गए। कुछ पता चला कौन है? कोई सौदागर है, बस से आया है। सौदागर बसरे से आया है, क्या नाम है उसका? नेम, नेम तो बड़ा नामी है, सलमान। सलमान, अम्मी, ये बचपन का सलमान तो नहीं? अम्मी, अम्मी। काम करूंगी, तुम्हारा और अपना नाम किसी पे जाहिर ना होने दूंगी।
आपने मेरा तो नहीं माना। इस आवाज में मेरे दिल की धड़कन सुनी होगी जरीना। जरीना, मुझे तो नगीना कहते हैं। नगीना, पर वो बचपन का गीत, वो रिमझिम रिमझिम पड़े फुहार। मेरी एक सहेली है, मैंने उसी से सीखा है। तो फिर तुम कौन? तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। फरेब का दूसरा नाम औरत है, इसके सीने में दिल नहीं होता। खान साहब, ये तो हमारी पड़ोसन है। हमारा कोई नहीं, निकल जाए यहां से लड़की। तेरी भोली सूरत मुझे धोखा नहीं दे सकती, अपने धोखा दे सकते हैं मुझे, पर आए नहीं। निकल जाए यहां से, निकल जा। खान साहब, ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? गुनाह। औरत जात पर भरोसा करना गुनाह है सलमान। इस गुनाह का खमियाजा कोई अपनी जिंदगी देकर भी अदा नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी का साथी, मेरे जिगर का टुकड़ा, मैंने अपनी हर चीज खो दी है सलमान। अब मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं। क्या आपको अपनी बीवी का पता नहीं चला? बीवी? किसकी बीवी? इस बेफाद दुनिया में कोई किसी का नहीं। और आपकी बेटी? मेरी बेटी, मेरी बीवी, मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। कभी मैंने उनके लिए मरना चाहा, लेकिन मर ना सका। अब उनके लिए जीना चाहता हूं, और वो सब मर गए, वो सब मर गए। आप देखे थे साहिब, आज वो सब आप टूट। नजरें मिला ले, नजरें।
क्लब की तरह तेरी दुनिया भी वीरान है। अपनी तन्हाइयों को इस जाम में डुबोने की कोशिश कब तक करेगी? काश कोई आए और तुझे जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर कहीं दूर ले जाए। काश कोई आए मगर कौन पगली न जाने तू किसके इंतजार में है। इंतजार में है? जी नहीं। आपका यहां कोई दोस्त नहीं? जी नहीं। कोई दोस्त नहीं सिवाय इसके। आपको मेरी सूरत अच्छी नहीं लगती? मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। कब से? जब से बचपने का ख्वाब झूठा साबित हुआ है। ख्वाब हमेशा झूठे होते हैं लेकिन हर औरत झूठी नहीं होती। मुझे सितारा कहते हैं। गर्दिश में आ जाऊं तो खुद एक जाम बन जाती हूं। पीजिएगा नहीं? जी नहीं। तो एक गाना ही और सुनते जाइए। आपको मेरा गाना भी बुरा लगता है? नहीं, लेकिन जो आवाज मेरे दिल में घर बना चुकी है वो आवाज आप कहां से लाएंगे? वो आवाज जाने क्यों तुम्हें देखकर मेरे दिल ने कहा ये वही भोली भाली सूरत है जो बचपन से मेरे दिल के आईने में जड़ी। तुम्हें देखकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे बचपन की मोहब्बत जवान हो गई। मेरी खातिरी उस मासूम मोहब्बत की तस्वीर बन जाओ। आओ नगीन सामने आओ। हो सकता है तुम्हारी जरीना तुम्हारे पास लौट आए और ये नगीना मर जाए। यूं ना कहो नगीना, बचपन कभी लौट कर नहीं आता मगर जवानी में तुम उसके रूप में आ गई हो और चुपके से मेरी जिंदगी में चली आई हो। मेरा यही जी चाहता है कि बस तुम्हें देखता रहूं, तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखते देखते उसी फिजा में खो जाऊं जहां मासूम दिलों की धड़कन प्यार भरे गीतों में गूंजती है।
बेटी। मरते ही नाचे से शादी कर ली। फरमाइए कैसे आना हूं? आप ही सलमान हैं? जी। मुझे आपके किबला वालिद साहब से मिलना है। मेरे वालिद साहब तो बसरा में। जी हाँ, वही बसरे के सौदागर। तो उनका इंतकाल हुए तो अच्छा हुआ। जी क्या फरमाया? इंतकाल हुए है? हजरत झूठ की भी हद होती है। कैसा झूठ? ये जो आपके साथ रहते हैं, आपके नहीं तो क्या मेरे वालिद हैं? वो तो मेरे उस्ताद। उस्ताद? बहुत नालायक उस्ताद है। जी जी, उनको ये भी नहीं मालूम कि एक लड़की से किस तरीके से गुफ्तगू की जाती है। याद पड़ता है जैसे मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ जरूर देखा होगा। आखिर वो कौन बदनसीब है जो मेरे नामे नामी इसमें गरामी से वाकिफ ना हो? दानस के प्रोफेसर छुन्नन खां। उस्ताद छुन्नन खां? उस्ताद नहीं, प्रोफेसर। मौसीकी में लासानी, सारे गामा धानी, दानस में यकता, त्राम तथई त्राम तथई त्राम तथा। अच्छा, तो आप उस्ताद अलाबंदे खां के वही पुराने जिगरी दोस्त हैं? जी हाँ, अल्लाह के फजल से मरहूम का ये जिगर अभी तक सलामत है। अल्लाह के फजल से आपके मरहूम दोस्त हवाई हादसे से बच गए। क्या कहा, बच गए थे? यानी कि खान साहब? खान साहब अलाबंदे खां। यानी वो जिंदा वो सलामत है? जी हाँ। तो बस फिर कयामत है। ऐसी भी क्या कयामत है? उस्ताद अल्लाह बंदे खान जिंदा हैं तो क्या हुआ? मुर्दे जिंदा होने लगे और कयामत क्या होगी? मेरा अमालनामा खुलेगा, ये सूट साट बूट बाट ये सब वापस ले लीजिए कमाली साहब। फरिश्ते प्रोफेसर चुन्नन खान का पता पूछते फिर रहे होंगे। मुझे छुपा दीजिए, मुझे बचा लीजिए। किससे बचा लूं, कैसे बचा लूं? ठीक कहते हो, तुम भला मुझे क्या बचा सको? मुझे तो तुम्हारा मंडवा भी ठप होता नजर आ रहा है। वो कैसे? वो कैसे? उस्ताद अल्लाह बंदे खां जिंदा है। सलमान जरीना बचपन से लैला मजनू है। दो और लैला ने अपने मजनू को पहचान लिया। तीन, एक दो तीन, मंडवा खत्म, पैसा हजम। मंडवा खत्म होने से पहले हम अपना सर मंडवा लेंगे। तो लाऊं तेरा? क्या बकते हो? सोचना यह है कि जरीना सलमान से ना मिले। अब सोचने से क्या होता है, वो तो अब भी सलमान से मिलने क्लिफ्टन गई हुई है। क्लिफ्टन? होता है जैसे ये मेरे दिल की आवाज थी जो तुम्हारी बंसरी से फूट रही थी। ये दो दिलों की आवाज थी नगीना, जानती हो ये आवाज समुद्र की लहरों से क्या कह रही थी?
क्या कह रही थी? ऐ समुंदर की लहरों गवाह रहना कि हम हमेशा के लिए एक हो चुके हैं। हमेशा के लिए? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ सलमान, लेकिन नहीं, अभी नहीं। ऐसी भी क्या बात है, अभी कह दो ना। नहीं, कहीं ऐसा ना हो तुम। नहीं नहीं, मैं कहूंगी, मगर उस वक्त जब हमारे दरमियान कोई दीवार हायल ना हो। दीवार? कैसी दीवार? थिएटर जाने का वक्त हो गया। ये कमाली है, थिएटर का मालिक। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नहीं, उस थिएटर में नहीं, मैं कल फिर यहाँ आऊंगी। सिर्फ कल? हर रोज नहीं? हर रोज। वाकई नगीना है, नगीना है। कमर तो इस तरह घुमाती है जैसे कि जलेबियां तली जा रही हैं। सुना है किसी अच्छे घराने की है। अजी छोड़िए भी, कहाँ का अच्छा घराना। थिएटर में हम लोगों की आंखें देखती है और घर पर तमाशबीनों का पहलू गरमाती होगी। और किस नहीं, वो एक शरीफ बाप की बेटी है। अरे क्या फिटिया गए हो बड़े मियाँ, इस जमाने में दौलत के लिए बड़े बड़े ईमानदार अपना ईमान बेच देते हैं। शराफत क्या चीज है? शरीफ आदमी के जिस्म से वो नापाक खून निकल जाए जिसने खानदान के माथे पर रुसवाई का दाग लगाया। कौन है तू? एक पागल जो शराफत को सरे बाजार बिकता हुआ नहीं देख सकता। फन को बदनाम करने वाली रंटी। मैं एक शरीफ औरत हूँ। एक शरीफ औरत ऐसा राज नहीं रह सकती, एक रंटी राज सकती है। मेरे अब्बू भी यही कहा करते थे। एग्रीमेंट के मुताबिक आप 5 साल तक इस थिएटर को नहीं छोड़ सकती। मैं मिन्नत करती हूँ वो एग्रीमेंट मुझे वापस कर दे, मैं हाथ जोड़ती हूँ। ओहो, आप क्यों मुझे शर्मिंदा करती हैं? मैं आपके आंसू नहीं देख सकता। आप अगर इस थिएटर को छोड़ना ही चाहती हैं तो आइए, हम दोस्तों की तरह एक दूसरे से अलग हों। और वो एग्रीमेंट? वो एग्रीमेंट आपको वापस मिल जाएगा। कल रात शो के बाद आप मेरे साथ यहां जाइएगा। मुझे इतना तो मौका दीजिए कि मैं एक अच्छे दोस्त की तरह आपको अलविदा कह सकूं। मुझे मंजूर है, मैं आपका एहसान कभी ना भूलूंगी। तो कल रात? कल रात थिएटर में मेरी आखिरी रात होगी। कल रात। उस्ताद? ए उस्ताद। क्या वे? क्या उस्ताद? उस्ताद प्रोफेसर चन्नन। अरे प्रोफेसर चन्नन खान उठो, होश में आओ। हाँ गोश्त मंगाओ, गोश्त। अरे गोश्त नहीं, होश में आओ, होश में।
अरे यार क्या कहते हो, पिलाओ तो पिलाओ। अरे पिलाओ, पीने को ला। किस कदर पी गया है। अबे यार मुंह में फेंक दी, पर ये कड़वी लाओ कड़वी। अरे कड़वी के भाई बात सुन, वो जरीना सलमान के खातिर थिएटर छोड़कर जा रही है। थिएटर छोड़कर जा रही है? हाँ। नहीं नहीं वो नहीं जा सकती। हाँ नहीं जा सकती अगर तू एक काम करे। अबे एक नहीं भाई 420 काम बताओ। अच्छा तो सुन, हाँ। कल सुबह तू सलमान के पास जा। मुसलमान के पास? अरे मुसलमान नहीं, सलमान के पास जा। मैं क्यों जाऊँ, मेरा शोज है, मैं क्यों जाऊँ? अरे भाई इसलिए के ठीक है। अर्थ किया है, रात भर जुल्फे समझकर सर मरोड़ा था आपका, और क्या ही कुंडल मारकर बैठा है जोड़ा सांप का। ये क्या बात? बात ये हुई सलमान मियां कि नगीना को आज रात असली रूप में देखने के लिए सेठ कमाली के यहाँ तशरीफ ले आइए। कमाली क्या? जी वहीं आपको नगीना और सेठ कमाली, मेरा मतलब है कि जोड़ा सांप का कुंडल मारे मिलेगा। कहिए आइएगा ना। ये तो मुझे बताने क्यों आया, निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। हाँ आप तकल्लुफ न फरमाइए, मैं बिना तकल्लुफ चला जाता हूँ। महफिल दोस्त की जुदाई में कड़वे घूंटी तो पी जाते हैं। नहीं नहीं मुझे जाने दीजिए। लेकिन एग्रीमेंट के बगैर। लीजिए लीजिए, जुदाई के कड़वे घूंट सभी दोस्तों को मिलकर पीने चाहिए। लाइए ना मेरा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट? तू मेरे कब्जे में है नगीना। अब तेरी मदद को कोई नहीं आ सकता। कौन फरिश्ता था? आप किसी के इंतजार में हैं? जी नहीं। आपका यहां कोई दोस्त नहीं? नहीं। मेरा भी कोई दोस्त नहीं सवाय इसके, पिलाइएगा नहीं। आप दर एक जाम और thank you.
मैं जानती हूँ आप मुझे बुरा समझते हैं, लेकिन मुझसे रहा न गया। मैं अभी चली जाती हूँ। सिर्फ इतना बता दीजिए कि सलमान कहाँ है। जहाँ तुम्हारे प्यार ने उसे पहुँचा दिया होगा, कहीं शराब के नशे में चूर। शराब? आप ये क्या कह रही हैं? मुझसे पूछ रही हो? तुम्हें ने तो उसे शराब पीना सिखाया। मैंने? आप मुझे इतना बुरा समझते हैं? मैं बुरी सही, मगर कोई खुद अपने घर को आग नहीं लगाता। सलमान मेरा सब कुछ है। आज 10 दिन हुए, मैंने उसे देखा तक नहीं। खुदा के लिए बता दीजिए वो कहाँ है। उसकी सूरत देखने को ये आंखें तरस गई हैं। तुम देख सकोगी बेटी, अपने घर को आग लगी हुई देख सकोगी। 10 दिन हो या 10 बरस, दिल जुदाई के सदमे सहता रहे और अपना पराया हो जाए, जिस बेवफा को देखने के लिए आंखें तरस गई हो, उसे किसी दूसरे की आगोश में देख पाओ तो तुम पर बिजली न टूट पड़ेगी। तुम भी पियो। क्या पियोगी? मैंने तो नई नई शुरू किया, पुराने पीने वाले न जाने कैसी पीते हैं। क्या मंगवाऊं? ये क्या कह रहे हो सलमान? ये आंखें तुम्हें शराबियों की महफिल में शराब पीते देख सकती है, तो ये जुबान तुम्हें शराब पीने की दावत भी दे सकती। तुम्हें धोखा हुआ सलमान, मेरी मजबूरी मुझे उस महफिल में ले गई थी। और ये मजबूरी तुम्हें आज यहाँ भी ले आई है नगीना बाई, अपनी मर्जी से नहीं तो मजबूर होकर पियो। मैं वो नहीं जो तुम मुझे समझते हो। इसे पढ़ो, इसके पहले सतर पढ़ लेने से तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। अल्लाह बंदे खा की बेटी सरीना खातून। चलो सलमान, यहां से कहीं दूर चले जाए, इतनी दूर कि तुम सब कुछ भूल जाओ। कहां चले जाए सितारा, कहां चले जाए? समंदर पार। समंदर पार वापस बसरे? हाँ वापस बसरे, तुम और मैं। तुम और मैं।
अरे भाई, ये नगीना के बोर्ड क्यों उतारे जा रहे हैं? इसने ये थिएटर छोड़ दिया। वाह रे मेरे सेठ, जब तक ये सोने की चिड़िया पास थी तो हम लाजवाब थे, और अब हमें भी जवाब। बेटा छुन्नन, अब कोई और चिड़िया तलाश करो। बाज आए हम तो हसरते दीदारे यार से, बेहतर है लाख दर्जे अजल इंतजार से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या शेर पढ़ा है आपने। आपकी तारीफ। जी तारीफ, उम्र तो कुछ भी नहीं। जिस तरह से आपका नाम सारे पाकिस्तान में मशहूर है, इसी तरह से खासार का चर्चा भी सारी दुनिया में है। बंदे को प्रोफेसर चुन्नन खान वल्दे इब्बन खान ये चक्कर खाने जाते हैं। माफ कीजिएगा, यानी कि माहिर रक्स उस्तादुल उस्ताद मौसीकी। तुम्हारी सीखी मैंने हिंदुस्तान में। मेरी बाई चुंगलियां में पीड़। और अंग्रेजी गाना मैंने सीखा इंग्लिस्तान में। माय स्वीट हार्ट। माफ करना, जरा गला खराब हो गया। फिर तो आप काम के आदमी हैं। जी आदाब। जी आदाब। आप तो खुद एक बिजली हैं, बस जरा सी चमक और आ जाए। जहां मैंने एक झर्राटे की तान सिखाई, बड़े बड़े मौसीकार अपना गाना बजाएंगे। मरहूम उस्ताद अल्लाह बंदे खां मेरे पीर भाई थे। अल्लाह बंदे खां? जी हाँ, हम दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं। अल्लाह बंदे खां अपनी गद्दी मुझे सौंप गए थे, अब उनका घर बार मैं ही चलाता हूँ। उनकी बेटी जरीना? कौन, वो पाकिस्तान की कोयल? अरे उसे भी तो चहचहाना मैंने ही सिखाया है। मुझे आप जैसे उस्ताद की तलाश थी। काश आप मेरी आवाज में ऐसा रस और दर्द पैदा कर दें कि मुझे सुनने वाला दुनिया की रसीली से रसीली आवाज को भुलाकर मेरे पास खिंचता हुआ चला आए। कसम सातों सुरों की ऐसे ही होगा। मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ? शौक से। अच्छा। आज तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? तुम्हारी बला से। कहाँ से आए हो? नहीं बताओगे? जरूर तुम्हें उसी औरत ने रोक लिया होगा। नहीं सितारा, तुम्हारी कसम, हारा हुआ जवारी जिंदगी का आखिरी दांव तुम पर लगा चुका है। हार हो या जीत। ये क्या है? तुम्हारा पासपोर्ट। बस कुछ दिनों में हम बसरे रवाना हो जाएंगे। सच? यहाँ से दूर चले जाएंगे हमेशा के लिए, तुम और मैं। Yeah.
सच बताओ सलमान, वो जिसकी आवाज तुम्हें मेरी आवाज से ज्यादा पसंद है, क्या उसकी सूरत भी मेरी सूरत से ज्यादा अच्छी है? क्या उसकी आंखें मेरी आंखों से ज्यादा नशीली हैं? क्या उसके होंठ मेरे होंठों से ज्यादा प्यारे हैं? कौन जाने, वक्त की गर्द ने बचपन की वो सूरत धुंधला दी है और जवानी में उसने मौत की आगोश में मुंह छुपा लिया, लेकिन उसकी आवाज अब भी मेरे दिल की गहराइयों में गूंजती है। वो सुरीली आवाज जिसे सुनकर यूं महसूस होता है कि कोयल ने उसके गले की मिठास चुराई है, पपीहे ने उससे दर्द सीखा। बस रहने दो सलमान, मेरा गला घोंट दो, लेकिन उसकी आवाज का कसीदा मुझे न सुनाओ। लपकता हुआ शोला, सुभान अल्लाह। आइए तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए बेटी बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? हम ये दरख्वास्त लेकर आए हैं कि अपनी आवाज को इस घर की चार दीवारी में कैद ना रखिए। ये तो वो आवाज है कि सारी दुनिया इसे सुने और सर धुनती रहे। माफ कीजिए न्याजी साहब, थिएटर में छोड़ चुकी हूँ। दुनिया मुझे नगीना के नाम से जानती थी, मगर अब नगीना मर चुकी, मैं जरीना हूँ। उस्ताद अला बंदे खान मरहूम की बेटी जरीना, मेरी आवाज और मेरी मौसीकी मेरे अब्बू की अमानत है। अब मैं इस अमानत को रुसवा ना होने दूंगी। हम नगीना के पास नहीं, जरीना के पास आए हैं बेटी। पाकिस्तान की कोयल के पास। तुम्हारे अब्बू की 11वीं बरसी मनाई जा रही है। हम इस बरसी का दावत नामा लेकर आए हैं। इस बरसी में सारे मुल्क के फनकार शरीक होंगे। ऐसे फनकार जो तुम्हारे अबू की अमानत पर अकीदत के फूल चढ़ाएंगे, क्या तुम इस मौके पर नहीं गाओगी? मैं जरूर गाऊंगी न्याजी साहब, जरूर गाऊंगी। आप मुझे एक दावत नामा और दे सकते हैं? जरूर। किसके लिए चाहिए? हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें मैं अपने बाप की तरह समझती हूँ। हम कार्ड खुद उन्हें दे? जी नहीं, ये कार्ड मैं उन्हें खुद अपने हाथ से दूंगी। हमारे पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें मैं अपने बाप की तरह समझती हूँ। ये कार्ड मैं उन्हें खुद अपने हाथ से दूंगी। मेरी आवाज और मेरी मौसीकी मेरे अब्बू की अमानत है। बदकिस्मत बाप, क्या तू तो उसे बेटी कहकर कभी सीने से न लगा सकेगा, कभी सीने से न लगा सकेगा। तू उसे बता क्यों नहीं देता कि तू कौन है? बता क्यों नहीं देता? बेगैरत माँ की सोबत कहीं बेटी को भी ना ले डूबे। वो तेरी बेटी है, उसे बता दे कि तू उसका बाप है और उसे यहाँ से कहीं दूर ले जा। मिल गई पिक्चर, एक मेरे लिए एक सलेमान के लिए। और हमें किस पर छोड़े जा रही हो?
वाहरी किस्मत, जो शागिर्दी मिली हमें तो तबाही दे गई। एक थिएटर छोड़कर चली गई तो दूसरी मुल्क छोड़कर जा रही है। आखिर कुछ पता भी चले कि हमारा कसूर क्या है? कसूर आपका नहीं, आपकी शागिर्द का। शागिर्द का? कौन सी शागिर्द का, कैसी शागिर्द का? आखिर मुझे मालूम भी तो हो गई। ये देखिए, उस्ताद अल्लाह बंदे खां की बरसी मनाई जा रही है और सरीना उसमें गाएगी। तो फिर क्या हुआ? हुआ ये कि सरीना जिंदा है और सलमान समझता है कि वो मर चुकी। इससे पहले कि उसकी नजर इस अखबार पे पड़े, मैं उसे यहाँ से दूर ले जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। अच्छा, तो ये बात है। सलमान, हमें फौरन रवाना हो जाना चाहिए, लंच एयरपोर्ट पर ही कर लेंगे। जी चाहता है तुम्हारे साथ उड़कर इतनी दूर चली जाओ कि हम दोनों दुनिया की नजरों से ओझल हो जाएं। बॉय, टैक्सी ला। ठहरो सितारा, मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों? ये देखो, जरीना जिंदा है। ना जाने खान साहब ने क्यों कह दिया कि वो मर चुके हैं। मैं ये जाने बगैर कहीं नहीं जा सकता सितारा, ये टिकटें वापस करा दो। सलमान, ये क्यों नहीं कहते? तुम अपने बचपन की जरीना को देखना चाहते हो, उसकी आवाज फिर से सुनना चाहते हो? हाँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसकी आवाज फिर से सुनना चाहता हूँ। वो बचपन की कहानी खत्म हो गई सलमान, अब वो आवाज सुनकर क्या करोगे? अगर वो कहानी खत्म हो गई तो उसका अंजाम मुझे अपनी आंखों से देख लेने दो। जी गोली भी मारो, इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, जिसे भी तिरछी नजर से देखोगी बस फौरन ही लड्डू हो जाएगा। मियां सलमान ना सही तो मियां रहमान सही। तुम्हें दिल लगी सूजी है उस्ताद, और यहाँ दिल के टुकड़े हो गए। जरीना की आवाज मेरा करार तो छीन ही चुकी थी, अब मेरी जान लेकर रहेगी। आए खुदा ना करे, एड़ी चोटी तो कुर्बान कर दो। उस आवाज में रस और दर्द मैंने ही तो पैदा किया है। जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है। क्या मतलब? अब बस ये ना पूछो, तुम्हारे उस्ताद को सिर्फ गत्तोड़े ही नहीं, मोहब्बत के भी हजारों नुस्खे याद हैं। वो रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला गुला, रसगुल्ला वो अच्छा रसगुल्ला, सस्ता रसगुल्ला वो ले लो रसगुल्ला। क्यों भाई, कैसे हैं तुम्हारे रसगुल्ले? अच्छा, आपका काम करना ही है, इसमें बहुत मीठा है। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। हा? मेरी बेटी ज्यादा मीठे ही पसंद करती थी, ऐसे मीठे रसगुल्ले दो कि बीते हुए दिनों की याद ताजा कर दे। ओ, जरूर जरूर, वो ऐसा अच्छा रसगुल्ला आपका बेटी के लिए फिर कहीं भी नहीं मिलेगा। बच्चे ले ना बाबा, ले रसगुल्ला, अच्छा रसगुल्ला। हाँ साहब। आ बेटी। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? गलती मेरी थी, मैं तुम्हारी मजबूरियां ना समझ सका। मुझे यकीन नहीं आता कि आप मुझे अब बुरा नहीं समझते। मैं कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें क्या समझता हूं? जरा अपनी आंखें बंद करोगी? आंखें? ये लीजिए।
जब मैं नन्ही सी थी तो मेरे अब्बू भी मुझे अपने हाथ से रसगुल्ले खिलाया करते थे। तुम्हें कभी याद आते हैं वो? उनकी 11वीं बरसी मनाई जा रही है, आप भी जरूर आइए, आइएगा ना। चाहती थी, अब वो सारी उम्र कभी ना गा सकेगी। उन रसगुल्लों में खाली सिंदूर मिलाया था। तुम ही तो कहती थी कि ये मैंने कब कहा था जालिम, ये मैंने कब कहा था। छोड़ो भी इन बातों को, क्या हुआ क्यों हुआ हम क्या जाने। जाम गर्दिश में लाओ सितारा, आज तुम्हारा सितारा उरूज पर है। खुदा को क्या जवाब देगा सालिम? बता, बोलता क्यों नहीं? रसगुल्ले तो मैंने ही खिलाए थे, पर ये तुम क्या कह रही हो? मैं नहीं कह रही, डॉक्टर कहता है कि उनमें सिंदूर मिला हुआ था। सिंदूर? अब अनजान बनता है मकार। बता, मेरी मासूम बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? शायद तेरी औलाद नहीं, वरना उस मासूम पर ये जुल्म कभी ना करता। उसकी आवाज नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। कहाँ है वो? मुझे उसके पास ले चलो, खुदा के लिए मुझे उसके पास ले चलो। चल। मुझे जाने दो, मुझे मेरी बच्ची के पास जाने दो। मैंने उसकी आवाज छीन ली है, काश मेरे हाथ ना होते। मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत की मिठास में किसी ने सांस भर दिया है, और ये बैल इन हाथों से दिया जाएगा, इन हाथों से दिया जाएगा। भी कुछ नहीं कहा जा सकता। धोखे और फरेब की बुनियादों पर तू अपनी खुशियों का महल कभी ना बना सकेगी। सच्चाई का गला घोंटकर झूठ के सहारे जीना चाहती है? नहीं, तू जलील नहीं, इस शराब ने तुझे जलील किया। पुलिस स्टेशन? जी जी, हम सख्त शर्मिंदा हैं खान साहब, आपके साथ बड़ी जाती। असली मुजरिम पकड़ा गया है। सुनने वाला, कहाँ है वो? वो देखिए। यार हिजरत आ रहा, क्या करती है? थोड़ा एक पैग और ले। ये वो नहीं, ये तो खैरियत। हमको नहीं खाना है, क्या खिलाते हैं? आप पहचानिए। किसको पहचानिए? ओ रसगुल्ला,
गुला रसगुल्ला मीठे रसगुल्ला। अब तो आपकी शहादत भी जरूरी नहीं रही। नहीं बंद कर दो इसे, बंद कर दो इसे। अरे छोड़ो तो ये तुम्हारी और उस मक्कार औरत की साजिश थी। पहले उसने मेरी बच्ची को जिल्लत के कुएं में धकेलना चाहा, और जब उसने गुनाह से मुंह मोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार कर लिया तो उससे बदला लेने के लिए उसकी आवाज छीन ली। मक्कार औरत, शायद खुदा ने मुझे अब तक किसी लिए जिंदा रखा कि तुझसे अपनी बेटी का बदला ले सकूं, अपनी बेटी का। मगर उसकी आवाज का क्या होगा? हजरात, नेशनल आर्ट सर्कल की तरफ से मैं नहायत अफसोस करता हूं कि उस्ताद मरहूम की साहबजादी ज़रीना खातून गले की खराबी की वजह से आज गा नहीं सके। सुनिए, हम माजूर हैं। अगर उन्होंने गाने की कोशिश की तो डॉक्टर साहब की राय में वो अपनी आवाज हमेशा के लिए खो सकती हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि गुज़श्ता साल की तरह इस बरसी का आगाज उनके गाने से नहीं हो रहा। मैं रावलपिंडी से आया हूँ, मैं पिशावर से आया हूँ।
आंखें खोलो जरीना, आंखें खोलो मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी जरीना बेटी। बेटी कहकर मरहूम की याद दिलाने वाली तू कौन है? बेटी तुझे पुकारने वाला तेरा बदनसीब बाप अल्लाह बंदे खान है। अब्बू, बेटी, बेटी। ये कैसे मुमकिन है सितारा कि उस बेवफा का दिल तो गुनाह की तारीकियों में डूब चुका हो और उसकी आवाज से अब भी नूर की किरणें फूटती रहे। बेवफा वो या तुम? क्या कह रही हो सितारा? जानना चाहते हो तो लो सुनो, तुम्हारे और उसके दरमियान ये शराब दीवार बन गई थी, इन्हीं हाथों ने ये दीवार खड़ी की, आज यही हाथ इस दीवार को तोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे, तोड़ डालेंगे। शराफत पेश कर दौलत खरीदनी चाहिए। अब्बू, मेरी बेटी को जिल्लत के कुएं में धकेलना चाह। क्या कह रहे हैं अब्बू? कहाँ है वो? अगर दिल पाक नहीं तो बेकार है ये नमाज। तुम यहां कैसे आ? अपने एतबार के खून का बदला लेने। देख तुमने क्या किया जालिम? खुदा के बाद यही तो मेरा सहारा है, मेरी निजात का सहारा। ये सहारा है तो वो कौन है जिसके साथ शौहर के मरने की खबर सुनते ही तूने रिश्ता जोड़ दिया? एक बाइस्मत बीवी पर इल्जाम लगाएगा तो क्यामत के दिन मेरा सुहाग तेरा दामनगीर होगा। सुहाग? बदनसीब औरत, दुनिया तेरे सुहाग की लाश चुनन खां के कंधे पर देख चुकी है। तुम क्या कहना चाहते हो? कभी किसी ने कहा था, खुश नसीब बीवी वही कहलाती है जो अपने शौहर के कंधों पर अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच जाए। मेरी मंजिल मेरे शौहर के कदमों में है। चुन्नन खान मेरे शौहर का दोस्त था, मैंने उसे अपना भाई समझकर उसका मैं समझती थी मैं बदनसीब, लेकिन नहीं, मुझसे ज्यादा खुश नसीब बीवी और कोई ना होगी, इसलिए इसलिए कि आज मेरी मंजिल खुद मेरे पास है। मेरा दिल कहता था तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। बेगम, अम्मी ने तो 11 बरस तुम्हारे ही याद में गुजार दिए। अब्बू, आज तक किसी गैर ने इन्हें आंख उठाकर देखने की जरूरत तक नहीं की। खुद मेहनत मुशक्कत करती रही लेकिन उस थिएटर की कमाई को हाथ तक नहीं लगाया। मगर वो बीमे का चेक, ये रहा वो 1,00,000 रुपए का चेक, ये मेरे सुहाग की कीमत लगाई थी तुमने, वापस कर दो इसे। दुनिया भर की दौलत भी मेरा सुहाग मुझसे नहीं खरीद सकती। मुझे माफ कर दो बेगम, मुझे माफ कर दो, मैं सच्चाई के रास्ते से भटक गया था, मुझे माफ कर दो। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं समझना चाहिए। जरीना। सलमान, सलमान। जरीना की माँ, आज ही जरीना की शादी का इंतजाम करो। तुम्हारी इस खाली भलाई की कसम, उन लड़कियों की भी तो शादी हो जाती है जिनके गरीब मां बाप
सोने और चांदी के जेवरों के बदले हाथ पैरों में धागे बांधकर लड़की को विदा कर देते।